नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। भोजन में उपयोग की जाने वाली हल्दी के बारे में हम सभी जानते हैं। हल्दी की एक प्रजाति ऐसी भी है जिसका उपयोग ज्योतिषीय उपायों में किया जाता है, वह है काली हल्दी। काली हल्दी को धन व बुद्धि का कारक माना जाता है। काली हल्दी अनेक प्रकार के बुरे प्रभाव को कम करती है, लेकिन इसके पहले इन्हें सिद्ध करना पड़ता है। काली हल्दी को सिद्ध करने के विधि इस प्रकार है। किसी भी शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि की सुबह सूर्योदय से पहले उठकर स्नान आदि कर पवित्र हो जाएं। इसके बाद साफ कपड़े पहनकर पूर्व दिशा की ओर मुख करके बैठें। ऐसा स्थान चुनें जहां सूर्य दर्शन में बाधा ना आती हो। इसके बाद काली हल्दी की गठान की पूजा धूप दीप से करें। इसके बाद सामने रखी काली हल्दी की को नमस्कार कर भगवान सूर्य के मंत्र ओम ह्रीम सूर्याय नमः का 108 बार लाल चंदन की माला से जाप करें। यह प्रयोग अगले अष्टमी तक रोज करें। इस अष्टमी तिथि पर उपवास रखें और ब्राह्मणों को भोजन कराएं। इस तरह यह काली हल्दी की गठान सिद्ध हो जाती है और इसका उपयोग विभिन्न ज्योतिषीय कार्य में किया जाता है। रोज काली हल्दी का तिलक लगाएं। काली हल्दी के 7 से 9 दाने बनाएं। इन्हें धागों में पिरोकर धूप गुगल या लोबान से शोधन करें। थोड़ी देर इन दानों को इनके धुएं में रखें। इसके बाद इसे पहन लें। जो व्यक्ति इस तरह की माला पहनता है वह ग्रहों के दुष्प्रभाव टोने टोटके नज़र से सुरक्षित रहता है। यदि आप किसी नए कार्य के लिए जा रहे हैं तो काली हल्दी का टीका लगाने से उस कार्य में सफलता मिलने का योग बढ़ जाता है। यदि किसी व्यक्ति या बच्चे को नज़र लग गई हो तो एक काले कपड़े में काली हल्दी की गठान बांधकर 7 बार उसके ऊपर से उतारें और बहते हुए जल में प्रभावित कर दें। जल्दी ही नज़र उतर जाएगी। यदि परिवार में कोई व्यक्ति निरंतर बीमार रहता है तो किसी गुरुवार को आटे के 2 पेड़े बनाकर उसमें गीले चने की दाल के साथ गुड़ और पीसी हल्दी काली हल्दी को दबाकर रोगी व्यक्ति के सिर से 7 बार उतारा करके गाय को खिला दें। इससे लाभ मिलता है। यदि आपके पास पैसा नहीं टिकता है तो शुक्ल पक्ष के प्रथम शुक्रवार को चांदी के डिब्बे में काली हल्दी नागकेसर व सिंदूर को साथ में रखकर देवी लक्ष्मी की तस्वीर के सामने रख दें। थोड़ी देर बाद इस डिब्बे को अपने लॉकर या कैश बॉक्स में रखें। इससे बरकत बनी रहेगी। यदि किसी बिजनेस में नुकसान हो रहा हो तो एक पीले कपड़े में काली हल्दी 11 गोमती चक्र चांदी का सिक्का 11 कोड़ियाँ बांधकर 108 बार ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का जाप करके धन स्थान पर रखने से बिजनेस में सफलता मिलने लगती है। यदि आपका बिजनेस मशीनों से संबंधित है तो आए दिन मशीनें खराब होती हैं तो काली हल्दी को पीसकर उसमें केसर व गंगा जल मिलाएं और मशीनों पर स्वास्तिक का चिन्ह बना दें। इस उपाय से मशीनें जल्दी खराब नहीं होंगी। सिद्ध की हुई काली हल्दी के गठान को एक काले कपड़े में लपेटकर घर के मुख्य द्वार पर टांग दें या अपने व्यावसायिक स्थल पर टांग दें। इससे आपके घर या दुकान को किसी की नज़र नहीं लगेगी, साथ ही घर में सुख शांति बनी रहेगी। इसी प्रकार और भी रोचक जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। हमारे चैनल में विजिट करने के लिए धन्यवाद।